Now, particularly vulnerable tribal groups. These are Dongriya Kond from Odisha, this community. It's a particularly vulnerable tribal groups. Understood? So why we are dealing with this? Because a parliamentary standing committee has asked the tribal affair ministry, tribal affairs ministry, to issue directions to all states to start the process of issuing caste certificate to particularly vulnerable tribal groups. Particularly vulnerable tribal groups are a group of tribes within the tribal groups, within the scheduled tribes, which are even more vulnerable than the scheduled tribes. Take care. तो इस एंड ऑल्सो द सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर्स जो कि सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व में फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं दैट हैव थ्रेटेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ पीवीटीजीज. तो हम पीवीटीजीज के इवोल्यूशन को पढ़ेंगे. 1961 में देवार कमीशन वॉज इम्प्लीमेंटेड टू असिस द सिचुएशन ऑफ द वेरी द वल्नरेबल ग्रुप्स विद इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, तो जो शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर में ही वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनकी सिचुएशन को असेस करने के लिए धेबार कमीशन फॉर्म हुआ था. एंड धेबार कमीशन रिकमेंडेड दैट स्पेशल ग्रुप्स, देयर आर शेड्यूल ट्राइब्स आर बैकवर्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल बट देयर आर सम स्पेशल ग्रुप्स विद इन दिस शेड्यूल ट्राइब्स विच आर इवन मोर वल्नरेबल, जिनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, दे आर द एंड जिनका पॉपुलेशन इंक्रीज भी नहीं हो रहा है बिकॉज एंड मोर ओवर उनका जो बैकवर्डनेस है इट इज इवन मोर देन द शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप्स. ओके, फिर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस धेबार कमीशन 1975 में 52 ग्रुप्स वर आइडेंटिफाइड एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स. फिर 1993 में 23 मोर ग्रुप्स वर एडेड मेकिंग इट टू द 75. 1993 में क्या हुआ, 52 में 23 ग्रुप्स को और एड किया गया एंड टोटल हो गए 75. फिर 2006 में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स रिनेम्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. एंड 2006 अनदर का इम्पोर्टेंट, दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वॉज इनएक्टेड. फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वॉज इनएक्टेड. ठीक है, वॉट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स? आर्टिकल 342, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. 340, 342, these are very important articles. Say that president, in consultation with the governor of the state, where a state is having a legislative assembly, ठीक है, तो वो state में governor होगा, और बाकी union territories में without the consultation of governor, okay, he can notify the scheduled tribes for that state. तो president in consultation with what? The governor of the state can notify the scheduled tribes of the state. Article 342. That means 1950 में, 1950 में presidential order के थ्रू एक लिस्ट बनाई गई. This list consisted of all the tribal groups in the country. इस लिस्ट में स्टेट वाइज यूपी, एमपी, ओके, बिहार, इन सारे स्टेट्स के जितनी ट्राइबल ग्रुप्स थी उनका नाम लिखा गया. ठीक है, तो आर्टिकल 342 सेज दैट द प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर या प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ ऑल द स्टेट्स विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट. और यूटीज में प्रेसिडेंट अपने ओन पे ही विदाउट एनी कंसल्टेशन. तो ये लिस्ट नोटिफाई हो गई 1950 में. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नोटिफाई द लिस्ट बट टू एक्सक्लूड और इंक्लूड एनीवन इन द ग्रुप इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, बट ये तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. ओके, इट इज नीदर अ स्टैट्यूटरी पोजिशन. इट हैज नॉट बीन अकॉर्डेड, द पीवीटीजीज हैव नॉट बीन अकॉर्डेड द पीवीटीजी ऑफ बाय अ स्टैट्यूटरी लॉ और बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, Home Ministry is the authority that makes this classification and not the Ministry of Tribal Affairs. Okay. So classification criteria for STs is primitive traits, distinct culture, geographical isolation, shyness of contact with community at large, and social and economic backwardness. These were the criteria that were
identified for classification of a category as a scheduled tribe. If the scheduled tribe, primitive traits ka meaning kya hota hai? For example, if the one is, they are not following what? Settled agriculture. Okay. Settled agriculture. And they are following what? Hunter-gatherers. They are hunter-gatherers. Okay. If these are called primitive traits. Okay. Distinct culture. If agar unka culture bilkul different hai. Geographical isolation. They are living in forest or some kind of thing. Shyness with contact and all this. Social and economic backwardness. So these are classification criteria for STs. Now, criteria for PBTGs was also evolved. A pre-agricultural level of technology. Again, unka technology bahut hi backward hai. And pre-agricultural level, like axes and all these are their technology. A stagnant or declining population. This is a very important factor. Stagnant or declining population. Okay. This is assessed by Anthropological Survey of India. Relatively homogeneous. That means the intermixing of the group with outside has not been possible by the way of marriage or any other customary relation. Okay. Extremely low literacy. Currently, the scheduled castes ka PBTGs ko agar chhod de, PBTGs ko chhod de, to STs ka literacy is around 40-50%. Okay. A subsistence level of economy. The economy is subsistence level. Okay. Absence of written language. The absence of written language, relatively homogeneous, stagnant or declining population, and pre-agricultural technologies. These four are very important. And these two are optional. Okay. This is the criteria for classification as particularly vulnerable tribal group. Now, distribution of PBTGs, as you can see, Odisha is having highest number of PBTGs, 13. Then Andhra, it is around 11. Bihar and Jharkhand. Bihar and Jharkhand, dono ko mila ke, kyunki Bihar, Jharkhand, Bihar se separate hua baad mein. Theek hai. Bihar and Jharkhand, then MP and Chhattisgarh, similarly, Tamil Nadu, Kerala and Gujarat. And again, 3% of the other tribal groups are in Bengal. Okay, so usko maine include nahi kiya isme. But you can see ki distribution of particularly, Odisha is having highest number of particularly vulnerable tribal groups. Okay. So, why has the committee, parliamentary standing committee, why has the parliamentary standing committee flagged the issue of non-issuance of caste certificates to scheduled tribes? Basically, this is scheme for development of particularly vulnerable tribal groups was started in 1998 and later revised in 2015. And it was made in synchronism with One Bandhu Kalyan Yojana. Now, very important thing is, I said that the classification is made by Ministry of Home Affairs. But this scheme is run by Ministry of Tribal Affairs. Okay. Classification of STs and PBTGs is done by Ministry of Home Affairs. But the scheme for the development is made by Ministry of Tribal Affairs. Okay. Understood. Now, it was started in 1998 and later again revised in 2015 on the lines of One Bandhu Kalyan Yojana. One Bandhu Kalyan Yojana mein kya hai? Scheduled tribes ke liye scheme hai, jo ki that provides them financial assistance and all the other kind of benefits through Vandhan Vikas Kendras. Okay. Vandhan Vikas Kendras. These are the centers where they are provided training in entrepreneurship, training in like education, soft skills, and by enhancing the value addition to the forest produce. Okay, so forest, they are what? Scheduled tribes ka jo subsistence economy hai, that depends a lot upon minor forest produce. So yahan pe ek bahut important trillions ke hisab se ek term main aapko batana chahunga ki forest produce and minor forest produce mein ek difference, basic difference hai, jo ki agar prelims mein aa sakta hai kyunki FRA has been a lot of in news. Okay, so forest produce and minor forest produce,
ओके. फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज व्हाट? नॉन टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ओके, एमएफपी इज ऑल्सो नॉन टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बट देर इज डिफरेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अ टर्म मेंशन्ड इन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 1927. ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज मेंशन्ड इन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. ओके, तो अगर कोई ये कहे फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज द डिफाइंड अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. ओके, तो 100% इट इज 100% सेंट्रल स्कीम एंड इट आइडेंटिफाइज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है, दोज ट्राइबल ग्रुप्स विच आर मेंशनड इन द व्हाट, इन द लिस्ट. तो इन पीपीटीजीज का आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए लोकल लेवल पे स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट्स. ओके, एंड वो कास्ट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोरवाज एक एग्जाम्पल है. कोरवाज आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा. ओके, बट पहाड़ी कोरवाज आर प्रिमिटिवली वल्नरेबल ट्राइब, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ उड़ीसा. तो पहाड़ी कोरवाज का जो वल्नरेबिलिटी है दैट इज ग्रेटर देन कोरवाज, एंड दैट इज वाई कोरवाज आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल ट्राइब्स एंड पहाड़ी कोरवाज आर क्लासिफाइड एज पीवीटीजीज. तो अब ये पहाड़ी कोरवा इज अ कास्ट, तो पहाड़ी कोरवा कास्ट का सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा उसके पास, तो दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू अवेल द स्कीम्स द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज. फाइन, तो इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हैज फ्लैग्ड द इशू दैट द इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन वेरी स्लो, वेरी लो इन द स्टेट्स लाइक उड़ीसा. तो इट हैज रेकमेंडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दैट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स शुड परसुएड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू दीज कास्ट सर्टिफिकेट्स. ठीक है, सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कैन बी अकॉर्डेड टू दैम. नाउ दिस स्कीम इज 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम. इट इंक्लूड्स हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल हेरिटेज. एंड this scheme is also called conservation and development, matlab conservation bhi ho aur development bhi ho. theek hai, and very important thing is laws regarding PVTGs are forest right act 2006. When the act defines habitat, it primarily deals with the habitat of scheduled tribes or the people living in the forests. But at the same time, it also recognizes the habitat of primitive tribal groups or pre-agricultural communities. Okay, so yahan pe habitat rights have also been accorded to what, PVTGs. Now why are we talking about the habitat rights? Because there was a case when some forest reserve was declared as what, tiger reserve, and the PVTGs were forced to what, leave their customary homes and settle elsewhere. So this led to alienation of land, yeah, alienation of habitat. So that is in contravention to the Forest Right Act 2006. अब ये सारा conflict develop ही क्यों होता है? बिकॉज फॉरेस्ट का गवर्नेंस जो है वो दो मिनिस्ट्रीज के अक्रॉस है. द फर्स्ट वन इज MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड द सेकेंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज अ राइट्स ग्रुप, मतलब इस मिनिस्ट्री का एम है कि ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करना. बट मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC
जहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज अ राइट्स ग्रुप, वहीं MOEFCC इज एन एक्टिविस्ट ग्रुप, इन द सेंस दैट MOEFCC प्राइमरीली डील्स विद वॉट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड ऑल, ठीक है. वेयर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डील्स विद द राइट्स ऑफ द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट. तो यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट है एक्टिविस्ट वर्सेज राइट्स ग्रुप के बीच में, अंडरस्टूड. इसीलिए और MOEFCC जो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अंडर MOEFCC. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज रेगुलेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी गाइडलाइंस के अंदर में आता है. लेकिन जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में है, जहां पे ग्राम सभा हैज बीन, ग्राम सभा, ओके, ग्राम सभा हैज बीन मेड द नोडल अथॉरिटी टू इशू व्हाट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, टू सर्टिफाई हु इज द ओरिजिनल रेजिडेंट, ओके. तो दिस इज द कंफ्लिक्ट. तो व्हाट इज द नीड? द नीड इज टू सिंक्रोनाइज द राइट्स ऑफ द पीपल एंड टू एक्नॉलेज दैट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट the people who are living in those forests, and they are a part of the ecosystem. Okay, so they are a part of the ecosystem in such a fashion ki they have now become an integrated integrated part of the whole ecosystem that the forest is. Okay, I hope you understood this and you enjoyed it. Now, challenges and problems, lack of ability of baseline survey. Baseline survey is the assessment of, अब बेसलाइन सर्वे क्या है, 40 ग्रुप्स जो हैं आउट ऑफ 75 टोटल पीबीटीजीज हैं, उसमें से बस 40 ग्रुप्स का बेसलाइन सर्वे अवेलेबल है. बेसलाइन सर्वे है कि बेसलाइन सर्वे यानी फर्स्ट सर्वे दैट डिटरमाइंस उनका हैबिटेट कंडीशंस, ओके, हैबिटेट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, लिटरेसी एंड ऑल. मतलब पहला सर्वे जो कि पीवीटीजीज के स्टेटस को डिटरमाइन करेगा. अगर आपके पास बेसलाइन सर्वे नहीं है तो आप कैसे स्कीम्स बनाओगे जो कि यहाँ से जो प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी उनको एड्रेस कर सके, अगर बेसलाइन सर्वे ही नहीं है तो, अंडरस्टूड. तो ओनली 40 ग्रुप्स जो हैं पीवीटीजीज के उनका बेसलाइन सर्वे अवेलेबल है आउट ऑफ द 75. अगेन नॉन इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स का इशुएंस ना होने की वजह से पीवीटीजीज को जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं. Alienation of land, like declaration of forest into a reserve, forest tiger reserve and all, has led to the alienation of land. Health, health is a very important, like some tribal groups are very much affected with sickle cell anemia. Okay, similarly, they have been constantly living in the forest in social isolation with other communities, due to which the racial mixing or the genetic mixing has not taken place. Due to which they are very much vulnerable to the diseases of the outside. Their bodies and their genetic makeups are not such that they can adapt to the recent diseases like COVID and all. Okay. So poor literacy 30-40%, fragile tribal habitats, and these habitats are very much fragile, which are subject to the destruction by both anthropogenic and natural causes as well. The effect of global warming and all is going to be highest on these PVTGs because their subsistence depends upon the forests. Okay. And that is all for the day. Thank you.